नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं पी न्यूज नेटवर्क नंबर वन चैनल। अभी मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड अंतर्गत पानापुर अंजिता पंचायत में। यहां पे एक सरकारी स्कूल पर अभी हम मौजूद हैं, जिस स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौवा मठ। ये हरसिद्धि प्रखंड अंतर्गत पड़ता है और पहले हम इस स्कूल का व्यवस्था दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले आएंगे इधर, ये देख सकते हैं ये स्कूल है और ये स्कूल का ग्राउंड है और इधर मेन रोड है और इसमें अभी तक मतलब बोले तो बाउंड्री नहीं हुआ है। यहाँ पे बाउंड्री होना चाहिए क्योंकि छोटे छोटे इसमें बच्चे पढ़ते हैं और ये 1 से लेकर 5 क्लास तक स्कूल है और यहाँ पे पोखरा भी खुना रहा है और इसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं और कहीं अगर पोखरे में चले गए, गिर गए, उसका जवाबदेही कौन होगा। और ये है किचन, इस किचन में हम भी आएंगे और किचन को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये किचन में ना ही जंगला है और ना ही कुछ, और ये व्यवस्था देख सकते हैं। अगर कहीं से अगर ये रोड, इधर भी रोड है, अगर कोई गाड़ी जाता है पूरे तेजी में और उधर से अगर गर्दा आता है तो खाना अगर बनता होगा उस खाना में पूरा वो गर्दा चला जाएगा, तो फिर बच्चा सब कैसे खाना खाएगा। और कीड़े मकोड़े भी इधर से देख सकते हैं, अपने कैमरा मैन को कहेंगे दिखाने के लिए। ये पूरा इधर मौका छुटा हुआ है और ये जंगला भी ना लगा हुआ है और इसका हाल भी बहुत मतलब कहे तो बुरा हाल हो चुका है। और इधर आगे भी आएंगे और ये शौचालय जो है उसका भी व्यवस्था दिखाने का प्रयास करेंगे। ये दो इसमें शौचालय है और दोनों का हाल मतलब कहे तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। और ये शौचालय का पाइप है, देखिए इधर नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे। ये शौचालय का पाइप जो है वो पूरा फूट चुका है और ये अगर बाउंड्री होता तो यहाँ बगल में फिर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पोखरा खुनाया हुआ है, ये बहुत दिन से है लेकिन अब इसको थोड़ा और गढ़ा किया जा रहा है। और यहाँ पे 1 से 5 क्लास तक ये स्कूल है तो इसमें छोटे छोटे बच्चे होंगे और बच्चे कब किधर जाएं, सर तो अंदर रहते हैं लो, अपना क्लास लेते हैं लो, और बच्चा अगर कहीं पोखरा में चला जाता है तो उसका जवाबदेही सर लोग के ही बोला जाएगा। और ये 1 से लेकर 5 क्लास तक स्कूल है और यहाँ पे मात्र 3 ही रूम है, रूम का यहाँ भी कमी है। और सर जो है इस स्कूल का HM, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस स्कूल के बारे में क्या क्या यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है, क्या क्या दिक्कत है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। इस स्कूल पे स्कूल में किस पद पे हैं? इस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। अच्छा, स्कूल के कौन कौन सा व्यवस्था मतलब बहुत ही खराब चल रहा है यहाँ विद्यालय में? सर अभी सबसे जरूरी चीज है बाउंड्री जी, बाउंड्री यहाँ पे नहीं है। यहाँ बगल में वहाँ दिखाई है सर, वहाँ पोखर है जी। अगर जो है बरसात के दिन में वो पानी तो भरता ही है, यहाँ भी पानी लग जाता है जी। अब थोड़ा मिट्टी भराई का काम हुआ है तो कुछ कम लगेगा लेकिन लगेगा, यहाँ जल जमा होता है तो वहाँ जो है बहुत अधिक पानी है। बरसात के दिन में अगर एक भी बच्चा डूबा वहाँ उसमें, तो फिर मेरा क्या हाल होगा? आपका जिम्मेवारी होगा कि आपके स्कूल में बच्ची आया था लो, तो और हम निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ बाउंड्री चाहिए ना। और बाथरूम का शौचालय का व्यवस्था बहुत यहाँ पे खराब दिख रहा है, उसमें क्या करेंगे? नहीं, शौचालय तो ठीक है लेकिन उसमें जो है एक चालू है और एक जो है बिल्कुल वो जो है पानी, क्योंकि पानी लग जाता है ना जल जमा उसमें भी पानी घुस जाता है। बरसात किचन का व्यवस्था क्या है यहाँ पे? शौचालय में, किचन में, सब में पानी घुस जाता है यहाँ पे, ये इसी पे नहीं चढ़ता है बस यहाँ तक केवल। ये स्कूल जो है इसका जो मतलब नेव कहा जाता है, नेव के ऊपर पानी नहीं जाता है, यहाँ तक पानी आता है। मतलब बाहर का है तो नेव के पास तक पानी चला आता है लेकिन स्कूल में केवल ही नहीं जाता है, जो रूम है उसमें नहीं जाता है बस। स्कूल कल डूब जाता है, चापा कल जो है ना वो भी डूब जाता है पानी में। स्कूल आपका 1 से लेकर 5 तक है, रूम कितना अच्छा है? 1 से 5 तक है जी। इसमें 3 रूम है जी। हम लोग उसी में काम चला लेते हैं लेकिन आवश्यकता तो है दो कितना रूम होना चाहिए? दो और वर्क कक्ष की आवश्यकता है। शिक्षक की कमी है कि नहीं है? शिक्षक पर्याप्त मात्रा में है मेरे यहाँ, 5 शिक्षक हैं, केवल रूम का कमी है। और 2 रूम और हो जाएगा तो हम लोगों का जो है कक्षा चलाने में अच्छा हो जाएगा। ये इस स्कूल के HM के अभी प्रभार पे हैं और इनका कहना है कि यहाँ पे बाउंड्री होना एकदम ही जरूरी है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 से लेकर 5 क्लास तक ये स्कूल है तो छोटे छोटे ही बच्चे होंगे। और अगर बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, ये सर लोग तो अपने अंदर क्लास लेते हैं लो, अगर बच्चा कोई चला गया पोखरा में, अगर गिर जाता है, डूब जाता है, तो उसका जिम्मेवारी सर लोग का ही होगा। और ये 5 क्लास तक स्कूल है और मात्र यहाँ पे 3 ही रूम है, तो 3 रूम में 5 क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, उसका भी रूम का ये लोग का मांग है कि 2 रूम और होना चाहिए। मेरा एक ही डिमांड है सर, चाहे वो जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो या विभाग के माध्यम से, क्योंकि मैं एक इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी है कि इस बात को हम भी आपसे कहें कि वहाँ जो है पोखर वही सबसे डेंजर चीज है बरसात के दिनों के लिए, तो यहाँ बाउंड्री या तो बाउंड्री चाहिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि के माध्यम से बन जाए या विभाग के माध्यम से, लेकिन बाउंड्री चाहिए क्योंकि सेफ्टी के लिए बाउंड्री चाहिए। इनका मात्र एक ही मांग है अभी,
जो कि बाउंड्री होना चाहिए, जो पोखरा जिस तरफ है उधर बाउंड्री होना एकदम जरूरी है। अगर यहाँ पे आगे के पदाधिकारी अगर देखते हैं इस वीडियो को तो यहाँ पे दो रूम का और व्यवस्था कराएं, और यहाँ पे जो बाउंड्री होना है उस बाउंड्री के लिए भी यहाँ पे पास कराया जाए ताकि बाउंड्री हो जाए। और हम चाहते हैं कि जो भी अगर इस वीडियो को देखते हैं वो आगे शेयर करें ताकि आगे के पदाधिकारियों तक पहुँचे और यहाँ के बाउंड्री और रूम का काम कराया जाए। बाकी आप देख रहे थे पी न्यूज नेटवर्क नंबर 1 चैनल और मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार।